अब कुछ क्वेश्चंस हैं हमारे पास, वो देखते हैं, ठीक है। अ 3x2 डिजिट DVM कैन डिस्प्ले 3x2 डिजिट, 3 फुल डिजिट है और एक आपकी हाफ डिजिट है, ठीक है, वो डिस्प्ले कर सकता है। देखिए, अब हमारे पास जगह यहाँ यूज करता हूँ मैं, ठीक है। तो 3 डिजिट है फुल, 1, 2, 3 और एक हाफ डिजिट है, ठीक है। अब वो बोल रहा है कैन डिस्प्ले, ठीक है, 4 डिजिट यहाँ पे भी है आपके पास, ओके, 1, 2, 3, 4। अब आप मुझे बताओ, सिंपली अपन आउट कर सकते हैं कि कितना डिस्प्ले कर सकता है। ये है पहली हाफ डिजिट, ये है पहली हाफ डिजिट, हाफ डिजिट, हाफ डिजिट, हाफ डिजिट क्या 9 शो कर सकती है भाई? नहीं, हाफ डिजिट 5, नो, यस, ये शो कर सकती है। हाफ डिजिट पे 1 ही शो हो सकता है हाईएस्ट, बिकॉज 1/2 है, 1/2 मतलब टोटल काउंट 2, मैक्सिमम जो काउंट वहां पे शो हो सकता है दैट इज 1, ठीक है, क्लियर है। चलिए, तो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं आपके, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको पहले हम यहां से कर लेते हैं, थोड़ा स्पेस बना लेते हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ 3x3 1/2 डिजिट DVM हैज एन एक्यूरेसी ऑफ 0.5% ऑफ रीडिंग, रीडिंग की 0.5% एक्यूरेसी की जो स्पेसिफिकेशन है वो एरर के टर्म में दी जाती है ना, एरर के टर्म में दिया जाता है एक्यूरेसी का टर्म, ठीक है। सो एक्यूरेसी जो उसने दे रखी है 0.5% ऑफ रीडिंग प्लस 5 काउंट्स, बस इसी को समझना, बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं गेट में सेम कॉन्सेप्ट से। द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस इज रीड एज 50 ओम, मतलब वो डिस्प्ले जो शो करवा रहा है अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू है 50 ओम जो शो हो रहा है, ठीक है, ऑन 200 ओम स्केल, उसकी 200 मैक्सिमम उसकी फुल स्केल है, उस पर शो कर रहा है 50 ओम। द मीटर द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस इज, जो रेजिस्टेंस मेजर होगा उसकी वैल्यू क्या रहेगी, ठीक है। सो आपको सबसे पहले बनानी है क्या, 200 ओम की स्केल, कितने डिजिट है आपके पास, 4 डिजिट है। सो आपके पास ये फुल डिजिट हो गई और ये एक हाफ डिजिट हो गई, ठीक है। अब ये डेसिमल पॉइंट सिर्फ यहाँ रख सकते हैं, यहाँ या यहाँ, इन तीनों में से एक जगह पर आप डेसिमल पॉइंट रख सकते हो। तो 200 ओम की स्केल बनाना है, तो आप मुझे बताओ 200 के लिए डेसिमल यहाँ रखना पड़ेगा ना, क्योंकि अब 200 बन जाएगा, इस पर मैक्सिमम 9 शो हो सकता है, इस पर 9 शो हो सकता है, इस पर 9 शो हो सकता है, इस पर 1 शो हो सकता है। 200 बन गया ना आपका, 199.9 200 बन चुका है, देख लो आप। सो 200 ओम यदि आपको फुल स्केल है तो उसके लिए डेसिमल को आप यहाँ रखना पड़ेगा। इसमें आपको कोई दिक्कत हो तो बताओ, दिस इज नथिंग बट 200 ओम मैक्सिमम जो शो हो पाएगा, है ना। चलिए, आपने डिसाइड कर लिया कि सर कुछ ऐसा आएगा। अब इस पे 50 मतलब 50 ओम शो करवा सकते हो ना अपन, हाँ आसानी से करवा सकते हैं, दिस विल बी 0, 50 ओम शो हो रहा है। लेकिन ये 50 ओम जो शो हो रहा है इसमें कुछ एरर है, और एरर इसके एक्यूरेसी के टर्म्स में जो दिया हुआ है 0.5% ऑफ द रीडिंग, मतलब जो भी रीडिंग आएगा उसका 0.5% का एरर है उसमें, प्लस 5 काउंट्स। सो व्हाट इज दिस काउंट्स, 1 काउंट कितना होता है भाई, 1 काउंट, उसका मिनिमम लीस्ट काउंट, पहला काउंट। सो पहला काउंट जब आपने इसको डिसाइड कर लिया तो इसका लीस्ट काउंट जो है रिजोल्यूशन है वो कितना हो सकता है, यहाँ पे आप 1 शो करेंगे, 0, 0, 0, इसका 1 काउंट जो है वो 0.1 का है या नहीं, यस और नो, इसका जो काउंट है एक काउंट वो 0.0.1 काउंट मिनिमम है या नहीं, यस। सो इसमें जो एक्यूरेसी स्पेसिफिकेशन दिया 0.5% ऑफ द रीडिंग प्लस 5 काउंट्स, रीडिंग कितना है अपने पास 50 का 0.1% निकालेंगे, सो 0.1 डिवाइड बाई 100, सो ये हो जाएगा आपका 0.05, ठीक है। सो 0.05 हो गया आपका, 0.05 प्लस बोला है कि 5 काउंट, एक काउंट कितने का है, 0.1 का है, सो 5 काउंट कितने के बन जाएंगे, 0.5 के, कितने के, 0.5 के। सो आपके पास टोटल, वेयर इज द 0.05 50 30, आपको 0.5% इसका निकालना था, सो शायद आई डिड इट 0.5
100, सो इसका कैंसिल करके ये जो आएगा वो आएगा 0.25, ठीक है, नॉट 0.05, इट विल बी 0.25 प्लस मिनिमम काउंट कितना है, एक काउंट कितना है 0.1 का, फाइव काउंट्स कितने हो गए, कहाँ से पता चला 5, यहाँ से 0.5 के 0.50, तो ये टोटल जो है ये है एरर, तो ये कितनी आ रही है 7.75 ओम, ये इसका एरर मार्जिन रहने वाला है। तो जो शो आ रहा है वो तो 50 है, यहाँ पे भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, लेकिन जो एरर है वो 0.75 ओम की है। सो ऐसे करना है इसको एग्जीक्यूट। इतना समझ में आ गया, आसान है, इसमें सिर्फ एक लाइन को समझना होता है, वो है आपका एक्यूरेसी स्पेसिफिकेशन जो दिया है। एक्यूरेसी को हमेशा एरर के टर्म में डिफाइन करते हैं, ठीक है। सो 0.5% ऑफ रीडिंग प्लस 5 काउंट्स की उसमें एरर है, मतलब ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, इसको इरेज कर देता हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोल रहा है, प्लीज रीड द क्वेश्चन केयरफुली। आपको क्वेश्चन बोला अ 3x3 1/2 डीवीएम हैज एन इंटरनल रेफरेंस ऑफ 200 मिली वोल्ट। रेफरेंस वोल्टेज दे दिया है, रेंज दे दी है एक पर्टिकुलर, है ना, 200 मिली वोल्ट। इट्स फुल स्केल काउंट, मतलब टोटल काउंट पूछा है उसने, एंड रिजोल्यूशन आर, ठीक है। अब देखो, रिजोल्यूशन को जब आपने लिखा था, तो आपने लिखा था कि सर वो रेंज, जिस रेंज के लिए वो यूज कर रहे हैं उसको डिवाइड बाय 10 टू द पावर n। तो जब एक्सटेंडेड वर्जन हो जाएगा, ये तो आपका जो रेंज जो है ना वो तब्दील हो जाएगी। तो उस केस में आपको 10 टू द पावर, यहाँ पे भी 2 टाइम्स यदि हुआ है तो इसको 2 कर देना है। वेट, आई एम शोइंग यू ओवर हियर, सी रिजोल्यूशन का जो डेफिनेशन देखा था उसमें मैं यहाँ पे लगा के आपको शो करता हूँ। आपको लेनी है रेंज, डिवाइड बाई करना है 10 टू द पावर n से, ठीक है। अब देखिएगा, वेट अ मिनट, आपके पास जो रेंज दी हुई है उसने, रेफरेंस जो है वो है 200 मिली वोल्ट, ठीक है। तो सबसे पहले तो 3 1/2 है, 1 2 3 4, ठीक है। इससे टोटल काउंट कितने हो सकते हैं भैया, 2000 हो सकते हैं क्या, 2000 काउंट हो सकते हैं मैक्सिमम, यस, क्योंकि ये हाईएस्ट कितना शो कर सकता है, 199 पॉइंट यहाँ सकता है 9, सो ये आपका जो मैक्सिमम काउंट होंगे वो 2000 काउंट हो पाएंगे, ठीक है। अब बात ये है कि वेयर इज द पॉइंट, आपका रिजोल्यूशन पूछा, रिजोल्यूशन पूछा है आपसे। सो रिजोल्यूशन के लिए रेंज कितनी है आपके पास, 200 मिली वोल्ट डिवाइड बाई, इसको 2 टाइम्स एक्सटेंड हो गया ना, 3 1/2 करते हैं मतलब 2 टाइम्स एक्सटेंशन हो जाता है, सो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे और हियर इज द फुल डिजिट, सो द थिंग इज 200 मिली वोल्ट डिवाइड बाय, ये हो जाएगा आपका कितना, ये हो जाने वाला है आपका 2000, ठीक है। तो आपको मिलने वाला है 0.1 मिली वोल्ट, सो 0.1 मिली वोल्ट का तो रिजोल्यूशन मिल गया, एंड वेयर इज द आंसर, ये 0.1 यहाँ पे भी है और 0.1 यहाँ पे भी है, लेकिन टोटल नंबर ऑफ काउंट सर मुझे समझ में नहीं आया, ठीक है। आप ये टोटल काउंट को समझिए, 0.1 मिली वोल्ट आपको रिजोल्यूशन लेने के लिए, जब आपका एक्सटेंडेड वर्जन हो जाएगा तो उस केस में रिजोल्यूशन आप मान लो सपोज 3 1/2 नहीं होके 3 4/5 होता, सपोज इस केस में रिजोल्यूशन क्या होता, पर्टिकुलर रेंज ले लो आप, जो भी रेंज आपको दी हुई है उसने 100 200 10 वोल्ट मिली वोल्ट कुछ भी, डिवाइड बाय एक्सटेंडेड वैल्यू, मतलब एक्सटेंडेड कितना टाइम एक्सटेंड हुआ ये 5 टाइम्स, मल्टीप्लाई विथ वही 10 टू द पावर n, ठीक है, बात समझ में। सो टोटल काउंट्स जो होते हैं, टोटल काउंट्स जो होते हैं वो कितने होते हैं, मान लो 3 डिजिट है 1 2 3, सो मैक्सिमम काउंट कितने हो सकते हैं, देखिए 000, फिर 001, 002, 003, ऐसे टोटल काउंट जो होते हैं उसके लिए आपको करना है फुल डिजिट पे मैक्सिमम वैल्यू। सो ये जो है ये टोटल काउंट बताता है और ये है 1000, ठीक है। अब आप देखो, अब आपने क्या किया, 3 1/2 आपने लिया है, सो 3 1/2 के लिए 1 2 3 4 टोटल काउंट बताना है आपको, ठीक है। तो पहला काउंट है 0000, फिर है 0001, लाइक दिस, ठीक है। तो ये चलता रहेगा, तो आपके पास एक बार आप इसको क्या शो कर सकते हो,
9990, तो टोटल 1000 कंप्लीट हो चुके हैं आपके, ठीक है, 1000 यहाँ पे आप कंप्लीट कर चुके हो, ठीक है। अब क्या होगा, आप 1000 के अलावा ये भी तो कर सकते हो, 1000, ठीक है, उसके बाद 1001, 1002, 10 लाइक दिस, ठीक है। सो ये कितना हो सकता है भैया, 999। सो 1000 आपने काउंट कर लिए, अभी 1000 फिर से, तो टोटल काउंट कितने हैं, 2000 काउंट इस पर पॉसिबल है, ठीक है। सीधी सी बात है, आपको ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ ये देखना है कि इसका एक्सटेंशन कितने टाइम्स हुआ, 1/2, यानी कि 2 टाइम्स का एक्सटेंशन हुआ, ओनली 3 डिजिट रहती है, तो अब 1000 जो है उसका काउंट रहता है, 2 टाइम्स हो जाएगा तो 2000 काउंट हो जाएगा। तो जो टोटल काउंट दिया जाता है, अब उसका फॉर्मूला लिख लीजिए, टोटल जो काउंट है, टोटल काउंट जो उससे होता है वो होता है 10^n, दैट्स इट, 10^n, n इज द फुल डिजिट, 10^3, तो ये हो जाएगा आपका 1000। यदि आपने एक्सटेंडेड कर दिया है, इसको एक्सटेंड कर दिया है, तो इस एक्सटेंशन का मल्टीप्लाई हो जाएगा इसमें, 2×10^n हो जाएगा 3, 1/2 के केस में, सो ये हो जाएगा 2000। ये ध्यान रखिएगा, क्रूशियल पॉइंट है, और यहाँ पर बच्चे लोग मिस्टेक कर देते हैं कभी कभी, ठीक है। तो इसका आंसर आपको क्लियर है। नाउ नेक्स्ट पे आते हैं हम, ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं, देखिए जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे, अ 3 1/2 dBm हैज एन एक्यूरेसी स्पेसिफिकेशन ऑफ अगेन 0.5% ऑफ द रीडिंग एंड प्लस माइनस 5 काउंट। इफ द मीटर रीड्स 200 मिली वोल्ट ऑन द फुल स्केल ऑफ 20 मिली एम्पियर, ठीक है, एम्पियर शो कर रहे हैं, ओके, देन वर्स्ट केस एरर इन द रीडिंग इज, इसका वर्स्ट केस एरर पूछा है आपसे, वर्स्ट केस एरर पूछा है कि इसमें कितना एरर पॉसिबल है। सी, आप देखिए जरा, मीटर रीड्स कितना लिया हुआ है, 200 मिली एम्पियर, ठीक है, फुल स्केल ऑफ 20 मिली एम्पियर, सो आई थिंक आई शुड चेक इट, इफ द मीटर रीड्स 200 मिली एम्पियर, लेट मी चेक द डेटा ओवर हियर, वेट अ मिनट, आपके पास जो दिया हुआ है इतना एक्यूरेसी स्पेसिफिकेशन दिया हुआ है, ओके, इफ द मीटर रीड्स 200 मिली एम्पियर, अच्छा, इट्स नॉट 200, इट्स 2.00 मिली एम्पियर, ओके, गिवन ओवर हियर 2.0, दैट्स व्हाई, वही तो हम सोचें 20 मिली एम्पियर आपका फुल स्केल है 200 के से, तो 2 मिली एम्पियर उसका शो हो रहा है, इफ द मीटर रीड्स इतना और 20 मिली एम्पियर का स्केल है, 20 मिली एम्पियर का स्केल है, ध्यान रखिएगा जो स्केल है वो 20 मिली एम्पियर का है। तो सबसे पहले तो 3 डिजिट है और एक हाफ डिजिट है, एक हाफ डिजिट है, ठीक है। तो जैसे रेंज रहती है ना 10 वोल्ट, 1 वोल्ट, 100 वोल्ट, तो अपन इसको यहाँ पे लिखते हैं वोल्ट। अभी आपका रेंज जो है वो मिली एम्पेयर या मिली वोल्ट में है, तो आपको यहाँ पे मिली एम्पेयर है ये, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए चीज़ों को, आपको 20 मिली यानी कि 20 वाली स्केल बनाना है, 20 वाली स्केल बनाने के लिए डेसिमल को कहाँ रखना पड़ेगा, यहाँ रखना पड़ेगा, क्योंकि ये 1999 तभी पॉसिबल है। तो देख लो कितना हुआ, 19.99, मतलब 20 मिली एम्पेयर का फुल स्केल बना है, ठीक है। इस पे शो कितना हो रहा है, मीटर रीड्स बोला हुआ है, मीटर रीड्स 2 मिली एम्पियर, यस 2 मिली एम, ये मिली एम्पियर इज ओके, यहाँ पे 2 मिली एम्पियर करना है उसको, तो दिस इज नथिंग बट 2, ये 0, ये 0, ये 0, पॉसिबल है ना, पॉसिबल। सो बट दिस इज 0.9, इट्स 2, इट्स यू हैव टू शो द 2, सो 0 विल बी हियर, इट विल बी 2, and this 0, this 0, so 2 milliampere. Now what is the question, question is then worst case error, specification de diya hai 0.5 and all, so 0.5 kiska nikaloge aap, 2 ka, 2 milliampere ka, so aap jara nikalo, 2×0.5/100, theek hai, so aap isko divide karoge to ye ho jayega 1/100, 1/100 aane wala hai ye, ठीक है। सो 1/100 इज नथिंग बट 0.01, सो 0.01 आया, इससे
प्लस 5 काउंट, मिनिमम काउंट कितना है भाई, आपने डेसिमल कहाँ रखा है आपको पता ही है, 1 2 3 4 आपने डेसिमल यहाँ रखा है, मिनिमम काउंट जो बनता है वो ये बनता है। सो 5 टाइम्स कर दो, 0.01 का 5 टाइम्स कर दो, सो यू विल गेट 0.05, ठीक है 0.05। सो 0.05 इसमें आपको ऐड कर देना है, आपके पास बचा, आपको आया 0.06। सो वर्स्ट केस एरर जो है इसमें वो है 0.06। बात समझ में आ गई, परसेंटेज में यदि पूछता तो आपको रीडिंग का परसेंटेज निकालना पड़ता, कि 0.6 जो आया है, 0.06 इज व्हाट परसेंट ऑफ योर रीडिंग, 2 mA का कितना परसेंट 0.06 मिली होता है ना। सो दिस गॉट कैंसल, x की वैल्यू आपकी आती 6/2 यानी कि 3%। सो परसेंटेज में इसका आंसर पूछा होता तो आपको 3% लिखना पड़ता वहाँ पे। बात समझ में आ गई, वर्स्ट केस एरर मतलब मैक्सिमम एरर कितनी हो रही है, बस आपको ये फाइंड करना है, ठीक है। अब देखो आप जरा इसमें इसने पूछा है 3/2 digit, नेक्स्ट वाला देखिएगा है ना, 3/2 digit DVM हैज एन एक्यूरेसी स्पेसिफिकेशन ऑफ 0.5% ऑफ द रीडिंग प्लस माइनस 5 काउंट्स वेयर द मीटर रीड्स 100 mV, द वोल्टेज बीइंग मेजर्ड इज, ठीक है अब देखिएगा, When the meter reads 100 mV, 100 mV meter read कर रहा है आपका, so 1, 2, 3 full digit और एक half digit आपने ले ली है ना, आपका जो meter read कर रहा है वो कितना read कर रहा है भैया, 100 mV read कर रहा है, ध्यान रखिएगा। so millivolt, ये scale मैंने यदि millivolt में रख देता हूँ तो उस case में देखिएगा, 100 को यदि show करवाना हो तो decimal को आपको यहाँ रखना पड़ेगा, 100 यदि शो करवाना है तो डेसिमल को कहाँ रखना पड़ेगा, ये वहाँ रखना पड़ेगा, ठीक है। उसके इसमें आप 100 शो कर सकते हैं, तो एक काउंट कितने का आ गया इसका, एक काउंट कितने का आ गया, इतने का आ गया 0.001। सो 0.1 का तो एक काउंट हो गया, 0.5% ऑफ रीडिंग ले लो, सो आपकी रीडिंग जो है दैट इज नथिंग बट 100 mV, इसका मैंने ले लिया 0.5%, सो दिस इज नथिंग बट 0.5 mA, सो 0.5 mA एक चीज आ गई। अब काउंट का 5 टाइम्स कर लो, सो काउंट कितना है मिनिमम 0.5 1 mA मल्टीप्लाई विथ 5, सो ये हो जाएगा 0.5 mA, सो 0.5 mA इसमें आपने ऐड कर दिया, सो आपको जो आया वो आ गया 1 mA। सो 1 mA का क्या है, 1 mA की एरर है, तो द वोल्टेज बीइंग मेजर्ड इज, सो ये एरर है, वोल्टेज कितना है 100 mV प्लस माइनस एरर स्पेसिफिकेशन ये आ जाएगी 1 mA। सो काउंट कितना हो सकता है, 99 mV काउंट हो सकता है या 101 mV, इसके बीच में कुछ भी काउंट हो सकता है, क्योंकि प्लस माइनस 1 mV का आपने एरर डिफाइन कर दिया। सो आंसर इज एनी वैल्यू बिटवीन दिस टू दिस, हाँ यस, एनी वैल्यू बिटवीन दिस, एग्जैक्ट वैल्यू नो एग्जैक्ट है ना। सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑन डिजिटल वोल्ट मीटर्स। लेकिन इस क्वेश्चन से पहले, जब डिजिटल वोल्ट मीटर को कंस्ट्रक्ट करते हैं तो उसके कंस्ट्रक्शन में इसलिए नहीं गए क्योंकि दिस इज द क्रेश कोर्स, जब फुल कोर्स आएगा तो उसमें इन डिटेल हम देखेंगे। लेकिन इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको थोड़ी सी इसकी इन्फॉर्मेशन लगने वाली है, ठीक है। जब आप एक डिजिटल वोल्ट मीटर फ्रेम करते हैं, डिजिटल वोल्ट मीटर, सो आपको इनसाइड सर्किटरी में एक A to D कन्वर्जन, एक कन्वर्टर की आवश्यकता लगती है, A to D कन्वर्टर की आवश्यकता लगती है, ठीक है। सो A to D कन्वर्टर जो अपने पास अवेलेबल हैं, पैरेलल टाइप जिसे फ्लैश टाइप भी बोलते हैं, सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन टाइप, और एक होता है डुअल स्लोप टाइप। सो हम डुअल स्लोप टाइप A to D कन्वर्टर यूज करते हैं टू फ्रेम डिजिटल वोल्ट मीटर्स। क्यों? क्योंकि उसका जो एक्यूरेसी होता है, वो बहुत हाई होता है। एज कम्पेयर टू अदर्स, यस ये स्लो होता है बाकियों की तुलना में, बट इसका एक्यूरेसी इज इम्पोर्टेंट, स्लो चल जाएगा है ना, ये स्लो होता है। बाकी ये अपने आउटपुट में जो वैल्यू देता है वो एवरेज वैल्यू देता है, ठीक है। सो डुअल स्लोप मतलब दो स्लोप, डुअल स्लोप काइंड ऑफ, सो एक स्लोप एक्चुअली चार्जिंग के लिए होता है,
ठीक है, चार्जिंग इसमें एक कैपेसिटिव सर्किट रहता है, और दूसरा डिस्चार्जिंग के लिए होता है ना, डिस्चार्जिंग के लिए होता है। तो एक्चुअली कैपेसिटिव सर्किट जो है, कैपेसिटिव सर्किट जब आप अप्लाई करते हो तो आप एनालॉग में भी देखोगे एक इंटीग्रेशन आता है 1/RC इंटीग्रेशन फ्रॉम दिस टाइम टू दिस टाइम dt, ठीक है। सो ये फर्स्ट इंटीग्रेशन होता है एक्चुअली, और ये होता है सेकेंड इंटीग्रेशन, ठीक है, मतलब चार्जिंग वाला एक इंटीग्रेशन, एक डिस्चार्जिंग वाला भी। तो इसमें टाइम लगता है इसको t1, इसमें टाइम लगता है इसको t2। सो टोटल कन्वर्जन टाइम की यदि कोई बात करे तो समेशन ऑफ दिस टू, टोटल कन्वर्जन टाइम जो है वो t1 प्लस t2 लगता है। बात समझ में आ गई। सो इसका जो आउटकम है डुअल स्लोप का, वो आपका आता है, डुअल स्लोप का जो आउटपुट आता है, आउटपुट एक इक्वेशन आती है और वो होती है, आप देख लीजिए जरा, इक्वेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, वी इन मल्टीप्लाई विथ t1, ये फर्स्ट इंटीग्रेशन टाइम है t1, ठीक है, इनटू एक रेफरेंस वोल्टेज दिया जाता है मल्टीप्लाई विथ t2 है आपका सेकेंड इंटीग्रेशन टाइम, ठीक है। ये फॉर्मूला इज वेरी फेमस फॉर डुअल स्लोप, सो डुअल स्लोप के बारे में इतनी जानकारी एनफ है। नाउ कम टू द क्वेश्चन, 200 मिलीवोल्ट फुल स्केल, 200 मिलीवोल्ट फुल स्केल डुअल स्लोप 3 1/2 डिजिट डिजिट DVM हैज अ रेफरेंस वोल्टेज दिया हुआ है, यानी कि क्या क्या दिया हुआ मैं लिखता जाता हूँ, रेफरेंस वोल्टेज जो है 100 मिली वोल्ट, ठीक है, एंड अ फर्स्ट इंटीग्रेशन टाइम यानी कि t1 की वैल्यू भी दी हुई है, दैट इज 100 मिली सेकेंड, t1 की भी टाइम दी है, वैल्यू दी है, t1 भी दिया है, वी रेफरेंस भी दिया है, ठीक है। बात समझ में आ रही, पूछा क्या है, फॉर एन इनपुट ऑफ, इनपुट है ये मिली वोल्ट में दिया हुआ है, द कन्वर्जन टाइम इन मिली सेकेंड इज, कन्वर्जन टाइम जो देखा था हमने वो तो होता है फर्स्ट इंटीग्रेशन टाइम प्लस सेकेंड इंटीग्रेशन टाइम, ठीक है, इन दोनों का जो समीशन होता है वो होता है आपका कन्वर्जन टाइम। सो अपने पास क्या क्या चीजें अननोन है, क्या अपने पास वी इन है क्या, हाँ है सर, वी इन दिया हुआ है ना, तो इस फॉर्मूले में 3 वैल्यू दे दिए, ये भी t2 आ जाएगा आपके पास में। अब इस इक्वेशन में t2 ही अननोन था क्योंकि t1 तो दिया हुआ है, इसकी वैल्यू रख देंगे तो टोटल कन्वर्जन टाइम आपके पास आ जाएगा, ठीक है। तो और ये 2016 का क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। सो आपके पास वी इन चाहिए, तो मैंने बोला था ये हमेशा मेजर एवरेज वैल्यू करता है, क्या करता है, एवरेज वैल्यू। सो इसकी एवरेज वैल्यू जो आपका इनपुट वोल्टेज दिया हुआ है उसका एवरेज वैल्यू आपको लेना है। सो इसका एवरेज वैल्यू कितना है, 100 मिली वोल्ट, बिकॉज दिस मिली वोल्ट और ये है 100, ठीक है, इसका जो एवरेज है वो 100 मिली वोल्ट। चलिए अब यहाँ पे 100 मिली वोल्ट रखा मैंने, मल्टीप्लाई विथ t1, कितना है t1, 100 मिली सेकेंड से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। वी रिफरेंस कितना दिया हुआ है, 100 मिली वोल्ट दिया हुआ है, 100 मिली वोल्ट, हाँ यस, ये भी मिली में है और वो भी मिली में, और t2 आपसे पूछा है, मतलब निकालना है इससे। सो 100 मिली वोल्ट कैंसल, सो t2 जो आपका आया वो आया 100 मिली सेकेंड। सो टोटल कन्वर्जन टाइम, t1 है आपका 100 मिली सेकेंड, t2 है 100 मिली सेकेंड, सो आंसर विल बी 200 मिली सेकेंड। ये है टोटल कन्वर्जन टाइम। बात समझ में आ रहा, यानी कि आपका जो DVM रिस्पॉन्ड करेगा वो 200 मिलीसेकंड के बाद करेगा, इतना उसको कन्वर्जन टाइम नीड रहेगा, ठीक है। सो ये क्वेश्चन थे जो DVM के थे, अब हम नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं।